brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. इस शाहजादे आज यहाँ वोट मांगने आए हैं, इतने सालों से वोट दे रहे हो, मेरे सामने विशाल जनसमूह 40-50 हजार का बैठा है, सांसद निधि से आपको कुछ मिला है क्या? ये है अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री और इस समय बीजेपी के स्टार प्रचारक, जो कि लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और विपक्ष को सीधे सीधे आंख दिखा रहे हैं। इस बार वो पहुंचे कांग्रेस के गढ़ कहे जाने वाले रायबरेली, इस बार वो पहुंचे राहुल गांधी जहां से चुनाव लड़ रहे हैं उस रायबरेली। इस बार जब वो पहुंचे तो उन्होंने प्रियंका गांधी पर जमकर निशाना साधा, राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा और पूछे गांधी परिवार से 5 सवाल। अपने फायर ब्रांड अंदाज में अमित शाह काफी ज्यादा सख्त नजर आए। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में कहा कि मैं यहाँ अपने परिवार से वोट मांगने आई हूँ, मैं आज उनसे 5 सवाल पूछना चाहता हूँ। जीतने के बाद सोनिया गांधी और उनका परिवार आपसे मिलने कितनी बार आए? इसी के साथ राहुल गांधी का बिना नाम लिए उन पर करारी चोट करते हुए अमित शाह ने कहा कि शहजादा यहाँ वोट मांग रहे हैं, आप सभी इतने सालों से उन्हें वोट दे रहे हैं, लेकिन आपको सांसद निधि से कुछ मिलता है? क्यों? क्योंकि वो सारा पैसा खर्च हो चुका है। अगर वो आपको नहीं मिला तो वो पैसा कहाँ गया? ये उनके वोट बैंक के पास गया है और आप लोग उनके वोट बैंक नहीं है। इसी के साथ अमित शाह ने एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि सोनिया गांधी ने 70% से ज्यादा फंड अल्पसंख्यकों पर खर्च किया है। मैं बहन प्रियंका जी का भाषण सुन रहा था, उन्होंने कहा मैं मेरे परिवार से वोट मांगने आई हूं। बात तो उनकी सही है, रायबरेली वालों ने सालों से गांधी नेहरू परिवार को जिताया है, सही बात है, मगर मैं आज 5 सवाल उनको पूछने आया हूं। लोकतंत्र के अंदर 5 साल तक यहां से चुन कर जाने के बाद सोनिया जी और इनका परिवार रायबरेली कितनी बार आया है भैया, बताओ तो जरा। अरे जोर से बोलो भाइयों बहनों, मैं इतना भी कहना चाहता हूं, चलो सोनिया जी की तबीयत थोड़ी नादुरुस्त रहती है, राहुल बाबा या प्रियंका बहन आए हैं? जरा मुझे बताओ, आए हैं क्या? भाइयों बहनों, मैं आज कहना चाहता हूं कि रायबरेली के अंदर ढेर सारी दुर्घटनाएं हुई, 3 दर्जन से ज्यादा बड़ी दुर्घटनाएं हुई, जैसे एनटीपीसी ऊंचायार में बॉयलर फट जाने से कई लोगों की मृत्यु हुई। यहां गांधी परिवार आया है क्या? अरे जोर से बोलो, आया है क्या? बछरावा में ट्रेन दुर्घटना में 50 लोग मारे गए, आया है क्या? नाव डूबने से आधे दर्जन लोग मारे गए, आए है क्या? तार गिरने से रोपाई कर रही 5 महिलाएं, गरीब महिलाएं झुलस कर मर गई, उनके घर कोई गया है क्या? 5 बच्चियां डूबकर मर गई, कोई गया है क्या? बहन प्रियंका, ये परिवार है आपका और हमारा दिनेश प्रताप, ये 5 में से एक भी घटना ऐसी नहीं है जहां घर पे बैठने के लिए नहीं गए। भाइयों बहनों, सांसद कैसा चाहिए? जनता की खुशी में खुशी हो और जनता के गम में गम को वहन करे, ऐसा सांसद चाहिए। मुझे बताइए, ये शाहजादे आज यहां वोट मांगने आए हैं, इतने सालों से वोट दे रहे हो, मेरे सामने विशाल जनसमूह 40-50 हजार का बैठा है, सांसद निधि से आपको कुछ मिला है क्या? जरा बोलो, मिला है क्या? उन्होंने खर्च पूरी की है, मैं हिसाब लेकर आया हूं, पूरा खर्चा किया है भाई। अब आप कह रहे हो मिला नहीं है, तो कहां गया? कहां गया? कहां गया? ये उनकी वोट बैंक में खर्च किया,
भाइयों बहनों, आप उनकी वोट बैंक नहीं हो, आप उनकी वोट बैंक नहीं। 70% से ज्यादा सांसद राशि माइनॉरिटी में खर्च करने का काम सोनिया गांधी जी ने किया है। तो रायबरेली जो कि कांग्रेस का गढ़ है, जहां से राहुल गांधी इस बार खुद चुनावी मैदान में हैं, और प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी को लेकर चुनावी कमान संभाल रखी है। वो अपने भाई राहुल गांधी के लिए वोट मांग रही हैं और कह रही हैं कि आप सब यानी कि रायबरेली वासी मेरा परिवार है। ऐसे में कांग्रेस के गढ़ में घुसकर अमित शाह का निशाना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है कि क्या वो खुले तौर पर गांधी परिवार को रायबरेली जो कि कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है वहां पर चुनौती दे पाएंगे। अब ये तो 4 जून को ही पता चल पाएगा। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।